हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलम हासिल करो डॉट कॉम। जैसा कि आपने आज के वीडियो के थंबनेल से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम कोई लेसन नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे इशू पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जी हाँ, व्हाट्सएप बंद होने जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपको किन शराइत पर इसे चलाने की इजाजत देगा और इसके पीछे असल हकीकत क्या है कि व्हाट्सएप आपका डेटा लीक करेगा और व्हाट्सएप का आपका डेटा लीक करने के पीछे या फेसबुक पर पब्लिश करने के पीछे हकीकत क्या है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग की ऐप है, जबकि फेसबुक एक सोशल या समाजी राबते की वेबसाइट है जिसके जरिए से आप अपने मुख्तलिफ दोस्तों से राबते में रह सकते हैं। और आप में से बहुत सारे दोस्तों को इस बात का भी इलम नहीं होगा कि फेसबुक पर आप जो वीडियोस देखते हैं और जो एड्स देखते हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज की होती हैं जिन्हें वो लगाकर मनी अर्न करते हैं या फेसबुक उन्हें चार्ज करता है कि वो फेसबुक पर अपनी एड्स लगा सकें। और इस तरह ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और वो जो एड्स और वीडियोस आप देखते हैं वो आप तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, बल्कि इसके पीछे फेसबुक आपका डाटा कलेक्ट करता है कि आप कौन सी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, आप किस तरह के फेसबुक पर प्रोडक्ट्स ब्राउज करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, और कौन सी पर्सनैलिटीज हैं और कौन से लोग हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं और किस तरह के और कौन से पेजेस आप लाइक करते हैं। इसके अलावा फेसबुक के एल्गोरिथम को ये भी पता होता है कि आप किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करते हैं और किस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, और ये सब डाटा जानने के बाद फेसबुक को पता होता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं और आपको किस तरह की चीजें पसंद हैं। इस तरह जब फेसबुक पर कोई कस्टमर आता है या कोई बिजनेसमैन आता है और वो अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करना चाहता है या उसकी तशहीर या पब्लिसिटी करना चाहता है, तो फेसबुक उन लोगों को हेल्प करती है और एड के लगने के बाद उसे मुतलका लोगों तक पहुंचा देती है जिनमें आप भी शामिल होते हैं अगर आपका फेसबुक पर अकाउंट है तो। इसके अलावा वो बिजनेसमैन जो है फेसबुक की एड पर अपना नंबर भी देते हैं जो कि व्हाट्सएप नंबर होता है, और जब आप उनका नंबर देखते हैं तो आप उनसे फौरन रابطہ करने के लिए व्हाट्सएप के जरिए रابطہ करते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो आप उसकी तस्वीरें मंगवा लेते हैं और आप उसके मुतालिक डिटेल्स भी व्हाट्सएप पर मंगवा लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए तो फ्री है। लेकिन जो बिजनेसमैन इसकी एड फेसबुक पर लगवाते हैं या लगाते हैं, ये उनके लिए व्हाट्सएप नंबर देना भी फ्री नहीं होता, बल्कि फेसबुक इसके लिए भी उन्हें चार्ज करती है। और ये सब वो इस उम्मीद पर करते हैं ताकि उनके बिजनेस में इजाफा हो और वो अपने बिजनेस की तरफ मजीद बहुत सारे क्लाइंट्स को लेकर आ सकें। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं या एप्स हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह लीजिए कि फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को खरीद रखा है और इन दोनों का ओनर एक है। और इससे पहले व्हाट्सएप ने कभी भी अपने सार्फिन की मालूमात फेसबुक से शेयर नहीं की, लेकिन यही वो चीज है जो व्हाट्सएप पर अब बदलने जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि फेसबुक चाहता है कि वो अपने व्हाट्सएप के सार्फिन का डाटा लेकर उन्हें फेसबुक पर कन्वर्ट करे और फेसबुक के जरिए जो बिजनेसमैन है इससे ज्यादा और ज्यादा रकम जो है वो कमा सके। तो इसके पीछे मेन वजह एक तो ये है। दूसरी वजह ये है कि आजकल बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं कि वो फेसबुक पर पोस्ट लगा सकें या दोस्तों रابطے में रह सकें, तो इसके बदले में जो व्हाट्सएप है वो फॉरन मैसेज रिसीव या सेंड करने की ऐप है। तो अब फेसबुक चाहता है कि व्हाट्सएप के जो सार्फिन है उनका डाटा अगर इकट्ठा किया जाता है, फेसबुक पर शेयर किया जाता है, तो जो लोग फेसबुक के जरिए अर्न कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं वो अपनी इनकम को अब डबल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप है फेसबुक पर उनका अकाउंट नहीं है या वो अपनी मसरूफियत की वजह से फेसबुक पर अकाउंट बना ही नहीं पाते। तो दूसरे लफ्जों में फेसबुक चाहता है कि वो व्हाट्सएप से भी अपनी टारगेट ऑडियंस लेकर आए जिनको वो अपनी एड दिखा सके या जो अपना तशहीरी मवाद है उन्हें भी शो हो सके। तो इस तरह व्हाट्सएप अर्निंग के हवाले से ऐसे ही काम करेगा जैसे फेसबुक काम कर रही है, और जैसे आप फेसबुक पर एड्स देखते हैं तो ऐसे ही आपका व्हाट्सएप डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको एड जो है वो दिखाई देंगी। तो इस तरह यही वो पॉलिसी है जो व्हाट्सएप लॉन्च करने जा रहा है। इसके पीछे ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि व्हाट्सएप कम्प्लीटली बंद होने जा रहा है, बल्कि उसकी पॉलिसी चेंज होने जा रही है। आइए हम इस बात को मजीद तफसील से जानते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन होंगी जो व्हाट्सएप शाया करेगा और जो शाया नहीं करेगा। दूसरे लफ्जों में इसकी कैटेगरी होगी। तो इसमें जो व्हाट्सएप आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो ये होगा कि वो आपका ईमेल आईडी हो सकता है, वो आपका फोन नंबर हो सकता है, वो आपकी लोकेशन हो सकती है, और इसके अलावा आपकी डिवाइस टाइप भी हो सकती है। और इसके अलावा व्हाट्सएप ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदने में दिलचस्पी लेते हैं। जैसा कि आपने अलीबाबा से
या अमेजोन से कुछ खरीदा होगा या आपने किसी लोकल स्टोर से ऑनलाइन कुछ परचेज किया होगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि व्हाट्सएप आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देगा या इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन लीक करेगा। जी नहीं, ये मतलब नहीं होगा। और व्हाट्सएप आपकी इस तरह की मालूमात कभी भी शेयर नहीं करेगा। और इसके पीछे मकसद ये होगा कि व्हाट्सएप आपको मुतलका एड्स भेजेगा, यानी ऐसी चीजों की एड जिनमें आप दिलचस्पी लेते हैं या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप इन चीजों को खरीदना चाहेंगे। और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि व्हाट्सएप किस तरह सेंस करेगा कि आप कौन सी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं और कौन सी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके पीछे लॉजिक ये होगी कि व्हाट्सएप एक आपका प्रोफाइल बनाएगा कि आप कौन सी चीजें लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या आप कौन सी प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, फेसबुक पर किस तरह के वीडियोस देखते हैं और आप किस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं और आप इन लोगों को और किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। और यही वो बड़ी तब्दीली है जो व्हाट्सएप में वाकया होने जा रही है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक किस्म की मालूमात ऐसी हैं जो आपकी पर्सनली रहेंगी और व्हाट्सएप उन्हें कहीं भी और किसी बिजनेसमैन के साथ उन्हें शेयर नहीं करेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन 100% सिक्योर और सेफ है और व्हाट्सएप उसे किसी के साथ भी शेयर करने नहीं जा रहा। मसलन आपकी दोस्तों से और अजीजों कारोब से बातचीत और उनके मैसेजेस भेजे जाने वाले और रिसीव किए जाने वाले, यानी सेंट मैसेजेस और रिसीव्ड मैसेजेस। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन और किसी भी तरह की फाइल जो आप सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, इसी तरह तस्वीरें और वीडियोस भी सेफ होंगी और व्हाट्सएप वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इसी तरह आपके रबते में जो पाए जाने वाले लोग हैं उनकी मालूमात और उनके नंबर्स वगैरह भी व्हाट्सएप किसी से और कहीं भी शेयर नहीं करेगा। वो तमाम जैसा कि आप जानते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे और हर तरह से महफूज होंगे। और व्हाट्सएप आपको आपकी इस तरह की मालूमात की इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी इस हद तक देता है कि ना तो वो कोई एक्सेस कर सकता है और ना ही व्हाट्सएप खुद एक्सेस कर सकता है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी जो तमाम पर्सनल मालूमात है वो बिल्कुल व्हाट्सएप पर सेफ होंगी और इन्हें किसी भी तरह का थ्रेट नहीं होगा कि अगर आप कोई पर्सनल मालूमात शेयर करने जा रहे हैं तो व्हाट्सएप उठाकर आपकी मालूमात जो है बिजनेसमैन को दे देगा या उसे फेसबुक पर शेयर कर देगा। जी हाँ, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। और इस तरह व्हाट्सएप पर पाए जाने वाली आपकी तमाम तर मालूमात, मतलब आपकी किसी भी रिश्तेदार या अजीजों कारब दोस्त से गुफ्तगू और आपकी भेजी जाने वाली फाइल्स और रिसीव की जाने वाली फाइल्स, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सब महफूज है और ये 100% व्हाट्सएप इन्हें महफूज रखेगा। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि जो बुनियादी फर्क है, जो वाकया होने जा रहा है वो इस तरह से है। सो इसमें मजीद दो चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलूं और जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये है, इसमें एक प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन है और दूसरी डाटा सिक्योरिटी है। और नंबर वन जो प्राइवेसी की इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप लेकर आपकी बिजनेसमैन को शेयर करने जा रहा है। और दोबारा मैं रिपीट करता चलूं कि वो प्राइवेसी की इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी आपकी लाइक और डिसलाइक है और आप किस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और इसके अलावा आप कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीदना पसंद करते हैं। तो यही आपकी प्राइवेसी की इन्फॉर्मेशन होंगी जो व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक और बिजनेसमैन से शेयर करने जा रहा है ताकि आपको मुतलका एड्स भेज सके। तो इस तरह अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन हरगिज नहीं होगा कि आप उनकी जो एड्स हैं आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होंगी, आप वो वसूल करना चाहते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली वो एड्स आपको जरूर वसूल होंगी और आपको जरूर शो होगी और इस सिलसिले में व्हाट्सएप आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा कि आया कि आप उन एड्स को वसूल करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। और यही वो मालूमात होगी जो व्हाट्सएप अपने बिजनेसमैन से शेयर करेगा जो उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो इसी तरह की वो मालूमात होंगी जो व्हाट्सएप बिजनेसमैन से शेयर करेगा जो उनके जरिए से अपनी एड्स शो करवाना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो आपके डाटा की सिक्योरिटी की बात है, डाटा सिक्योरिटी का इशू है, आपका किसी भी किस्म का व्हाट्सएप पर पाया जाने वाला डाटा बिल्कुल महफूज होगा और वो 100% व्हाट्सएप किसी से शेयर नहीं करेगा। इसमें आपकी ऑनलाइन खरीदारी की इन्फॉर्मेशन है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, आपकी दोस्तों से होने वाली बातचीत है, मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, आपके इमेजेस हैं और तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप उन्हें 100% महफूज रखेगा और इवन ना खुद उसे एक्सेस करेगा और ना किसी दूसरे को उसे एक्सेस करने की इजाजत देगा। और इस तरह आपके व्हाट्सएप के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन वो लेने जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी लाइक और डिसलाइक है और आप किस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं ताकि वो आपको रेलिवेंट और मुतलका एड्स भेज सके। तो क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक एक बड़ी कंपनी है तो इस तरह वो आपकी किसी भी तरह की मालूमात को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी ताकि जो इनके यूजर्स हैं वो किसी भी तौर पर परेशान ना हो। लेकिन जो आपकी प्राइवेसी की इन्फॉर्मेशन है, आपकी लाइक और डिसलाइक है, वो इसे जरूर एक्सेस करेंगे ताकि आप तक मुतलका एड्स भेज सके और मजीद जो बिजनेसमैन है उन्हें अट्रैक्ट कर सके कि वो अपने बिजनेस की पब्लिसिटी या प्रमोशन कर सके और आप जो अपने रेलिवेंट इंटरेस्ट की प्रोडक्ट्स हैं उसे वसूल कर सके। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप किस तरह की मालूमात आपकी शेयर करने जा रहा है और किस तरह की मालूमात शेयर करने नहीं जा रहा।
तो ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि व्हाट्सएप जो है वो आपकी तमाम तर मालूमात लेकर आपके फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर देगा। आप किस तरह की तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं, आप तरह के वीडियोस देखते हैं, या इन लोगों को मैसेज करते हैं, या इन लोगों से आप रابطे में हैं। जी नहीं, व्हाट्सएप किसी भी तरह की ऐसी मालूमात आपकी कहीं भी शेयर नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ हैप्पी डे।